बाबर मियाँ करा ली बेज्जती, मिल गई दिल को तसल्ली। अरे भैया लास्ट मैच में बेज्जती करा ली तुम लोगों ने। अरे तुम तो कह रहे थे कि हम बहुत तगड़े अंतर से मैच जीतेंगे, यहाँ तो मैच ना जीत पाए तिरानवे रनों से खेल दिया इंग्लैंड वालों ने। अरे बाबर यार भैया गजब बेज्जती में बेज्जती कराई तुम लोगों ने, अरे पड़ोसियों की नाक कटा दी, अब हम अकेला क्या करें भाई, अब हम अकेले और ये अंग्रेज तीनों टीम। अरे भैया बताओ क्या करें, अरे अब तो ये भाई हमें बदला लेना पड़ेगा तुम्हारा। बाकी बाबर मियाँ एक ही तरीके से तुम सेमीफाइनल पहुँच सकते हो, ये विलियमसन की टीम भैया खेलने से मना कर रहे हो, तुम्हारा नंबर आ सकता है खेलने में। अरे इस समय भैया हम क्यों मना करेंगे खेलने से, अरे हमें तो खेलना है और तुम्हें खेलना है और हम तो फाइनल में पहुंचेंगे। अरे भैया रोहित शर्मा तुम्हारा सफर यहीं तक था सेमीफाइनल तक, अब तो सेमीफाइनल में हम खेलेंगे, चाहे हमारे सामने हमारे पड़ोसी ऑस्ट्रेलिया वाले आ जाएं या अफ्रीका वाले आ जाएं, अब की बार वर्ल्ड कप जीतना जीतना है। अरे तुम पाकिस्तान वालों को पहुंचा रहे हो, वो खुद नहीं पहुंचना चाहते, अरे उन्होंने भाई कहीं खेला है कैसे खेल जहां लगा हो गई पाकिस्तान की टीम भाई यहाँ बहुत तगड़ी नजर आई, ना बैटिंग ना बॉलिंग और फील्डिंग पर तो भाई इनका परमानेंट हक है खराब करने का, इसलिए भैया इनका ना सोचो और हम भाई खेलेंगे, शर्मा जी तुमको पेलेंगे। अरे भैया हमारी टीम को तुम्हें पता ही है जब भी सेमीफाइनल में तुमसे भिड़ती है तो तुम्हारी टीम को लुल कर देती है, अब की बार भी 15 तारीख को ऐसा ही होगा। अरे रोहित शर्मा मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि कहीं ये तुम्हारी टीम भैया न्यूजीलैंड से पेलना जाए सेमीफाइनल। अरे माना है कि तुमने सब मैच जीत लिए हैं, लेकिन तुम्हारे इंडिया का ऐसा ही होता है कि ये न्यूजीलैंड से इनसे जीतना चाहता जब सेमीफाइनल की बारी आती है, और कहीं ऐसा अब की बार ना हो जाए। अरे देखो रोहित शर्मा जी हमारी टीम तो बाहर हो गई कोई नहीं है, हम तो देखेंगे अगले साल, लेकिन भैया अब की बात तुम्हें ये अंग्रेजों से बदला लेना है, एक तुम ही बचे हो ये से कप की टीम जो इन अंग्रेजों से भिड़ोगे। अरे भैया तीनों अंग्रेजी टीम को धो दो और वर्ल्ड कप अपने नाम कर लो, हमारी तो इसमें भी शान रहेगी कम से कम, ये से कप में तो रहा हमारा ये भाई वर्ल्ड कप, ये बाहर तो ना गया, इसलिए भाई रोहित शर्मा तगड़े से खेलना तगड़े से खेलना, हम तो अपना बैग वैग पैक करके निकल रहे हैं भैया, हमारा वहाँ बहुत अच्छे से स्वागत होने वाला है कराची एयरपोर्ट के लिए, क्वालिफाई कर गए हम तो यहाँ से अब जा रहे हैं तो टीवी पे मैच देखेंगे। अरे भाई बाबर आजम ना जाओ भैया, तुम तो फाइनल देख करके जाओ वापस पाकिस्तान, क्योंकि भैया टीवी तुम्हारे पाकिस्तान में बचे करना है, तुम लोगों ने सारे टीवी तो तुड़वा दिए अपने देश में, अब तुम वहाँ मैच कहाँ देखोगे, इसलिए मैं तो कहता हूँ भैया फाइनल देख करके जाओ, कैसे अंग्रेज जीत के जाते हैं और तुम एशिया वालों को ऐसे लुक करके जाएंगे, देखो जीतेगा तो हमें और न्यूजीलैंड वालों में से अफ्रीका वाले भी लुक हो जाते हैं हमें पता है, इसलिए भैया हम दो पड़ोसियों का मुकाबला, मैं तो कहता हूँ बाबर आजम देख के जाओ मुकाबला, भैया किस तरह से अंग्रेज को जीत के जाएंगे। चुप बे अंग्रेज के बच्चे, पेट कमीज। अरे क्या बकवास कर रहा है, टीवी टूट गई। अरे भैया ये सारी बेकार की बातें हैं, बाबर आजम के पास इतने टीवी की दुकान है भाई, वहाँ जाके अब टीवी बेचेगा अपना बाबर, अबे टीवी हो जाएगी पूरे पाकिस्तान में, क्यों भैया बाबर बाकी टेंशन ना लो, हम तुमको पहन चुके हैं भैया पैंट कमीज विलियमसन और अफ्रीका वालों को भी, इसलिए भैया हमें कोई डर नहीं है, और बाबर भैया तुम्हारी बेइज्जती नहीं होने देंगे, तुम्हारी टीम का हार का सबका बदला लेंगे, टेंशन ना लो, बस तुम आराम से जाओ और भैया बेचिंता होकर सो जाओ, सीधा फाइनल देखना।